अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज किसान इतना शिकंजे में आ गया है और आए आज आपको किसान से बात कराते हैं जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है? ठीक, मेरे हालात आज ठीक नहीं है। आज किसान के हालात बहुत ख़राब हैं। किसान के सर में दर्द हो रही है, किसान बहुत थका हुआ है और किसान आज बिल्कुल लिखाई में बिल्कुल फंस गया है। और मैं अभी इधर काम कर रहा था और ये मिस्टर अहमद साहब मेरे साथ ना ये पनी बना रहे हैं, मेरा मजाक बना रहे हैं। ये किसान फंस गया है, किसान आज काबू आया हुआ है और ज़रूर काम देंगे जी। और भी बताना चाहे तो बता सकते हैं। नहीं, बस मैं आज यही बताऊंगा कि हमारे जो व्यूवर हैं वो देखेंगे पंजाब का कल्चर किस तरह खूबसूरत। और हम अभी छठवीं ईयर होता है आज, और अपने दोस्तों को, अपने जो हमारे देखने वाले हमें प्यार करने वाले हैं, हम उन्हें यही दिखा रहे हैं कि पंजाब का कल्चर, पंजाबी माहौल किस कदर खूबसूरत है। आप भी ये लुत्फानंदोज़ होने के लिए गाँव का या इन कंट्रीज का विलेज विज़िट करें जहाँ पर इस तरह के सेमिनार और फेस्टिवल होते हैं। अहमद, क्या हाल है आपके? ठीक। अच्छा, जो हमारे देखने वाले हैं ना, हम आज उन्हें दिखाएंगे कि किसान के बुरे हाल हैं। आजकल रोज़ों के साथ किसान के बहुत बुरे हाल चल रहे हैं, और मैं और अहमद आज अपने व्लॉग में आपको दिखाएंगे कि किस तरह हमारे जो पिछले 2-3 दिन गुजर रहे हैं, बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं। तो ये ऐसे हुआ है कि इस साइड पर मैं आपको दिखाऊँगा, ये तो हमारी सारी चल गई थी मशीन, कंपाइन चल गई थी, उसने रोज़ा था, फिर मैं बहुत थका हुआ था, फिर अहमद का भी रोज़ा था, वो भी नहीं आया, स्कूल गया हुआ था। तो ये पीछे वाला सारा जो प्लाट है, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी मशीन चल गई थी। और ये जो बाग वाला सिस्टम है, इसमें आपको पता है ना, तो इसमें मशीन चलती है और ना ही दूसरी छोटी मशीन जो रैपर है वो चलता है। तो इसमें फिर हमने 2-3 दिन लगाए हैं और ये वाला काम किया, इधर लेबर भी लगी हुई थी साथ है, और वो उनने कुछ काम किया और कुछ हमने फिर काम किया। तो आज हमें रोज़ा नहीं था दोनों का, फिर मैं और अहमद ने हमने दातरियाँ उठाई और किसान के इतने बुरे हाल हुए हैं कि रोज़ा भी नहीं रखा हुआ था, और हमने खूब काम किया है और हमें खुद काम करना पड़ा है क्योंकि हमारे पास लेबर, आज वाली लेबर जो थी वो कम थी। तो आपको दिखाएंगे कि उन्होंने भी गंदम की कटाई की है, लेकिन असल बात ये थी कि बाग में पौधे होते हैं और वो फिर उधर जा के ना मशीन वगैरह कंपाइन वगैरह नहीं चलती, तो जिस वजह से फिर लेबर लगानी पड़ती है और लेबर इन दिनों में काफ़ी बिज़ी होती है तो लेबर भी नहीं मिलती। तो हमें फिर एक लेबर मिली है, वो बहुत शार्ट लेबर थी लेकिन वो काम कर रहे हैं। तो हमने कहा चले हम भी आपके साथ काम करवाएंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे और काम खूब करेंगे। तो आपको दिखाते हैं आज इधर, हाँ ये वाली हमें खुद काटनी पड़ रही है, ये वाली अल्हम्दुलिल्लाह हमने काटी है काफ़ी सारी, आपको इस बैक साइड पर दिखाएँ, ये वाली सारी वो पीछे तक, वो आगे से बाग स्टार्ट हो जाता है, फिर बाग में उधर तो हमने नहीं लगाया, उधर कपास लगाई है, वो आपको दिखाई थी पहले, तो मज़ीद मैं उसकी आपको वीडियो दिखाऊंगा। और ये देखें इधर, फिर हमें घास में काफ़ी जलील होना पड़ा है, काफ़ी मुश्किल था दिन। तो हम अहमद से भी बात करें कि अहमद आपको अपने जो आज की स्टोरी है वो कैसे बताता है। आज हम लोग सारा दिन गंदम की कटाई करते रहे हैं और मैं और भाई, आज हम लोग को बहुत मज़ा आया और हम लोग गंदम की कटाई करते रहे हैं, और हमारी ये गाड़ी ने काटी है गंदम, और हम लोगों को बहुत मज़ा आया। और आप भाई से बात, हाँ ये जो गाड़ी बता रहा है ये हार्वेस्टर, मैं आपको इसकी वीडियो दिखाता हूँ, जिसे कंबाइन बोलते हैं पंजाब में और इंडिया में, ये बहुत ज़्यादा कसरत से चलाई जाती है और इस वक्त पंजाब में बहुत ज़्यादा चलाई गई है। तो ये देखें, ये जो हमें काम करना पड़ा है ना, ये मैं कहता हूँ कि हमारे जो पूरे के पूरे रोज़े थे इन्हें खूब इन्होंने मज़ा करवा दिया। तो मैं खैर पहले भी काम करता रहता हूँ तो मुझे इतना मसला नहीं था, लेकिन अहमद जो था ये आप वो बच्चा समझ लें कि जो हड हराम होता है, लेकिन फिर इसे खूब काम करना पड़ा, लेकिन अहमद ने काम बहुत किया है। इसने ये कहा है कि मैं ऐसे हड हराम नहीं हूँ, इधर चरा करें, मैं हड हराम नहीं हूँ, इसने बहुत काम किया है और मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प की है। फिर हम गए हैं घर और जाके फिर हमने रोज़ा इफ्तार किया है, रोज़ा इफ्तार करने के बाद फिर थोड़ा सा सोया हूँ मैं, तो क्योंकि मैं थक गया था बहुत ज़्यादा। तो फिर अहमद जो था ये मेरे साथ इसकी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, अहमद आज इसकी मेरे साथ थोड़ी सी लड़ाई हो गई जिस वजह से इसका मूड ऑफ हो गया, तो फिर ये सोया नहीं है, ये फिर थोड़ा सा रोया था। अहमद को बताएं कहानी वो क्या थी।
अच्छा वो कह रहा है मैं नहीं बताऊंगा, चलिए वो हमारा ना सीक्रेट मसला है तो वो हम नहीं बताएंगे। तो अभी हम जो आगे वाला सिलसिला जिधर लेबर लगाई हुई थी ना वो वाला दिखाते हैं आपको। ये देखें गंदम का ये वाली रहती है, ये कुछ काटेंगे लेबर और कुछ हम खुद काटेंगे इसमें से। और ये वाले मीठे के पौधे हैं, तो असल में इनको ना मीठों को पानी लगाना था, मीठे लगे हुए हैं तो इन्हें पानी की बहुत अच्छा ज़रूरत है। तो हाँ ये देखें ये देखें तो इन्हें पानी की बहुत अच्छा ज़रूरत थी, इस वजह से हमें लेबर फिर ना इधर फ़ौरन ही इनवाइट करनी पड़ी और लेबर को प्रोवाइड करके उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम किया। ये वाला सारा लेबर ने काम किया और वो अभी खाना खाने गए हुए थे लेकिन मुझे लगता है कि वो आज इस टाइम पे फरार हो गए हैं, वो अभी नहीं आएंगे क्योंकि वो किसी और जगह पे भी काम कर रहे थे, तो इस वजह से शायद अभी तक जो आए नहीं हैं वो कुछ टाइम बाद आएंगे, तो अभी फ़िलहाल इधर नहीं पहुँचे। तो अभी आपको दिखाएंगे उन्होंने काफ़ी वैसे काम तो काफ़ी किया है लेकिन मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा तेज़ काम करें, जल्दी काम करें ताकि इधर दूसरी जो प्रेशर मशीन है वो लगाएं और बाग को ये पौधों को मिठों को पानी लगाना है, तो क्योंकि वो पानी बहुत अच्छा ज़रूरत है। तो आगे हम दिखाएंगे आपको अपना ये वाला पानी वाला सिस्टम खा ले, पंजाबी की ज़बान पंजाब का कल्चर ये पानी आ रहा है, ये दूसरे खाले में पानी आ रहा है नाली में, ये वाला बहुत सीवरेज सिस्टम यानी कि एग्रीकल्चर सीवरेज सिस्टम। तो इधर से फिर पानी जो लगता है वो दिखाते हैं आपको। ये वाले इसके वो रास्ते बने हुए हैं तो इधर से फिर हम पानी लगाते हैं ये वाला सिस्टम। और ये वाली आगे कपास जो मैं पिछली वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ जो कपास लगाई थी हमने वो आपको ये दिखाएंगे, ये देखेंगे कपास लगी हुई है और इन्हें पानी जो है ये अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, इधर से खाला टूटा हुआ है तो अभी कपास का थोड़ा सा मुआयना करते हैं कपास निकली हुई है नहीं निकली हुई। ये हाँ ये निकली हुई है, निकल रही है अल्हम्दुलिल्लाह और ज़बरदस्त किस्म की निकल रही है, तो इसे जब पानी लगाएंगे फिर ये ज़बरदस्त किस्म की आगे इसकी ग्रोथ होगी। बाकी आप अपनी राय का इजहार कमेंट में, कोई मशवरा कोई बातचीत कोई अच्छा पॉइंट कमेंट में दिया करें, वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पंजाब कल्चर में पंजाबी और उर्दू ज़बान में मुख्तलिफ़ किस्म की ब्लॉग्स अहमद के तबसरे और छोटी छोटी वीडियो ऐसी मिलती रहे। अहमद अल्लाह हाफ़िज़। अजान का टाइम हो रहा है तो हमारी भी सर्विस काफ़ी ज़्यादा हो गई है, मेरी और वो अहमद जा रहा है उसकी भी काफ़ी सर्विस हुई है, वो बस खामोशी से ना वजू करने जा रहा है। तो अभी टाइम तकरीबन चार मिनट रहते हैं, 3 से 4 मिनट, तो हम अभी रोज़ा खोलने की तैयारी कर रहे हैं, इधर हम फील्ड में ही रोज़ा खोलेंगे। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर ऐसे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर किया करें। Thank you.